नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा आपसे नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास 50 के जी स्लाइड्स ओवर अ हॉर्जोंटल डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इफ़ कोविशन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस इज जीरो पॉइंट टू देन दर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ये हमें बताना है कितना होएगा हमारे ऑप्शन है 98, 72, 56 या फिर 34 फोर झूल सो हो ही रहा है इस सवाल में कि हम एक ब्लॉक को रफ uh, सर्फेस है और यहाँ पे अपने को फ्रिक्शन का कोविशन म्यू की वैल्यू 0.2 दी हुई है और इसको हम यहाँ पे 50 के को एक मीटर के डिस्टेंस पे 50 के का ब्लॉक है उसको हम वन मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे लेके गए हैं हमें बताना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या होगा बहुत सिंपल सवाल है सो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स म्यू एम जी एस ये आपका फोर्स आ गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया बस यहाँ डेटा की वैल्यू डालनी है सो so, म्यू हो गया अपना माइनस टाइम्स ये हो गया म्यू हो गया ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय मास हो गया पचास मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू हम यहाँ पे नाइन पॉइंट एट लेंगे डिस्प्लेसमेंट 1 है सो so ये आपका टेन बन जाएगा सो ये माइनस नाइन पॉइंट एट जूल वुड बी द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि नाइन्टी एट जूल ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर